हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th स्प्रिंट बैच के नंबर सिस्टम चैप्टर का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा इरेशनल नंबर्स। इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स के अंदर रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ लिया है और जो बेसिक नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स हो गया, होल नंबर्स हो गया, इंटीजर्स हो गया, उनके बारे में हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने शुरू के 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उन लेक्चर्स को देखिए, उसके बाद में आप लेक्चर नंबर 4 को देखना स्टार्ट कीजिए। इसके साथ ही हमने 3rd लेक्चर के अंदर डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में भी पढ़ा था कि कितने टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, जैसे टर्मिनेटिंग टाइप का हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। तो आप उसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद में इस लेक्चर को देखना स्टार्ट कीजिए, जिससे आपको आसानी से चीजें समझ में आना लग जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इस इरेशनल नंबर्स के बारे में मैंने थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को लास्ट लेक्चर में दे दिया था जब मैंने डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ाया था। डेसिमल एक्सपेंशन में क्या था, हमारे पास 2 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन थे, एक टर्मिनेटिंग वाला, एक नॉन टर्मिनेटिंग वाला। टर्मिनेटिंग में वाले को हमने रेशनल नंबर बोला था और नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 कैटेगरी थी, एक जिसमें रिपीटेशन होता था और एक जिसमें रिपीटेशन भी नहीं होता था। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग वाला होता है, डेसिमल होता है, उसी को एक्चुअल में क्या बोला जाता है, इरेशनल नंबर्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। भाई रेशनल का जस्ट ऑपोजिट है इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है और इरेशनल नंबर्स को पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो देखो, ए नंबर इज एन इरेशनल नंबर इफ इट हैज ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को, भाई ऐसे नंबर्स जिनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, ठीक है, ऐसे डेसिमल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसे नंबर्स के को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोला जाता है। साथ ही ऐसे भी बोल सकते हैं कैन नॉट बी राइटन एज पी बाई क्यू, इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि इसे इंटीजर्स के सेट को आई से या जेड से डिनोट किया जाता है, होल नंबर के सेट को डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, नेचुरल नंबर के सेट को एन से, कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है और रेशनल नंबर्स के सेट को कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है। सिमिलरली जो इरेशनल नंबर का सेट होता है, जितने भी इरेशनल नंबर होता है उन सबका कलेक्शन, उसको हम क्या करते हैं, क्यू सी। सी का मतलब है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया रेशनल नंबर को छोड़ के जो भी बच गया हमारा वो क्या होगा, हमारा इरेशनल नंबर्स होगा, ठीक है। कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखे, रूट टू हो गया 1.414 डैश 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 चलता रहेगा, ना तो कभी रिपीटेशन होगा और ना ही कभी ये टर्मिनेट होगा। तो ऐसे रेशनल नंबर, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। जैसे रूट 3 है 1.732 डैश 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 चलता रहेगा, कभी रिपीट भी नहीं होगा और कभी टर्मिनेट भी नहीं होगा। ऐसे रूट 5 रूट 7 का भी जब करके देखोगे तो यही होगा। ऐसे ही जैसे यहाँ पे 1.10 1001 0 1 0 1 40, तो ना तो नंबर रिपीट हो रहा है और ना ही नंबर टर्मिनेट हो रहा है। ऐसे यहाँ पे पाई है, पाई भी क्या है 3.1415 डैश 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 चलता रहेगा, कभी रिपीटेशन भी नहीं होगा और कभी टर्मिनेट भी नहीं होगा। एक चीज और ध्यान रखना, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि पाई इज नॉट इक्वल 22/7, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि पाई तो क्या है, इरेशनल नंबर है यानी क्यूसी है, और ये क्या है, इरेशनल नंबर है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग पाई की जगह पे कभी कभी क्या होता है 22/7 यूज कर लेते हैं। एक्चुअल में पाई और 22/7 की वैल्यू डेसिमल के 2-3 प्लेसेस तक सेम होती है बस, उसके बाद में क्या होती है, डिफरेंट होती है, लेकिन 2-3 प्लेसेस तक सेम होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन के लिए पाई की जगह पे क्या यूज कर लेते हैं, 22/7। तो एक चीज ध्यान रखना, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, और पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है और 22/7 एक रैशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो अब यहाँ जो इन सभी का जो आप लोग ये देख सकते हो कि जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है वो कैसा आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग टाइप का, ना तो रिपीटेशन हो रहा है और ना ही यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलेंगे, ये सारे के सारे हमारे किसके एग्जांपल हो जाएंगे, इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को इरेशनल नंबर्स का मतलब समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा नोट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि
जैसे मैंने यहाँ पे बोला रूट टू को, मैंने बोला रूट थ्री को, बोला इरेशनल है, रूट फोर को, फाइव को बोला, रूट सेवन को बोला, क्या सारे रूट वाले नंबर क्या इरेशनल होंगे? तो इसको कैसे चेक किया जाता है, तो ध्यान से देखो, रूट एन इज नॉट अ रैशनल नंबर। रूट एन एक रैशनल नंबर नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब एन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसका क्या मतलब है, देखो इसको इस पर थोड़ा सा बाद में आएंगे, पहले इसको समझते हैं। जैसे रूट में कुछ एन दे रखा है, ध्यान रखना यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट में जब भी नेगेटिव हो जाएगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो नंबर इमेजिनरी बन जाएगा। तो हमारे पास अभी हमारे सिलेबस में इमेजिनरी नंबर्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ना, हमें जितने भी नंबर्स पढ़ने वो सारे नंबर रियल नंबर्स पढ़ने। आगे हमारा एक टॉपिक भी आएगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, अभी के लिए बस ध्यान रखना स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर होना चाहिए वो पॉजिटिव का ही होना चाहिए, या जीरो भी हो सकते हैं। तो देखो अगर एन की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब 1, 4, 9, 20, 16 हो गया, 25, 36, 49, ये जितने भी नंबर्स होते हैं इनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ये आप लोगों ने 8th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले चैप्टर के अंदर। अगर एन की वैल्यू क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो जो रूट एन का रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, एक पूरा नंबर, होल नंबर निकल के आएगा। जैसे रूट फोर, फोर एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 2। रूट 25, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 5 होगा। तो 2, 5 ये दोनों के दोनों क्या है, रैशनल नंबर्स है। क्यों? क्योंकि इनके नीचे 1 लगा के क्या किया जा सकता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ रूट एन है, रूट एन के अंदर अगर एन की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो जो रूट एन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, रैशनल नंबर होगी। अदरवाइज अगर एन की वैल्यू नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब इनके अलावा कुछ बच गया, जैसा 2 हो गया, 3 हो गया, रूट में 5 है, 7 है, 8 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13, 14, 15, तो कोई सा भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर क्या आ रहा हो, स्क्वायर रूट में आ रहा हो, तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ये नोट है, वो ध्यान से याद रखना है आप लोगों को। जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 8, इवन आगे भी चलते रहेंगे, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाला होगा वो सारे के सारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। तो ये चीज मैंने अच्छे से यहाँ पे समझा दिए। तो अब जैसे अभी आप लोगों को बताना होगा कि जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं कि ये क्या होगा, रूट 50 इरेशनल होगा, इरेशनल तो रूट 50, 50 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ये क्या होगा, क्यू सी होगा, यानी इरेशनल नंबर होगा। और अगर मैं पूछूं कि रूट 64 क्या होगा, तो रूट 64 एक्चुअल में 8 का, मतलब 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 8 होता है, तो ये क्या है, क्यू है, यानी कि रैशनल नंबर है। तो अगर आप लोगों को याद है, स्क्वायर रूट याद होते हैं कि मतलब लगभग, मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में भी बताया था कि अगर मैथ के अंदर कैलकुलेशन स्पीड आप लोगों को बढ़ानी है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजें हैं वो याद रखनी पड़ेगी, जैसे स्क्वायर याद रखना पड़ेगा, कुछ नंबर्स के स्क्वायर, क्यूब याद रखने पड़ेंगे। तो अगर आप लोगों को याद रहता है तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि कौन सा रैशनल होगा, कौन सा इरेशनल होगा। तो ये चीज मैंने लिखी है, अगर रूट के अंदर जो नंबर है, रूट एन इज नॉट ए रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर कब नहीं होगा, जब एन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अगर एन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो ये रैशनल नंबर होगा, और एन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा, यानी कि क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। आई होप ये चीज भी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है इरेशनल नंबर से रिलेटेड, कुछ यूजफुल रिजल्ट्स है, उनको हमें हमेशा याद रखना है। यही चीज हमारी क्या होगी, बार बार यूज करनी है। फिर आगे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आप लोगों के और अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में मैं रियल में इस कॉन्सेप्ट से क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहला क्या है, नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। अब इसका क्या मतलब हुआ, कोई हमारे पास एक इरेशनल नंबर दिया हुआ है, उसका हमने नेगेटिव कर दिया, तो वो नेगेटिव का जो रिजल्ट बना वो भी क्या है, इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी मैंने बताया रूट थ्री, रूट थ्री क्या है, इरेशनल नंबर है। कैसे पहचान की मैंने, इसके अंदर जो दिया हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर, ये क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसलिए मैंने क्या बोल दिया इसको, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को भी क्यू और सी से डिनोट करो। अब इसका मैंने नेगेटिव कर दिया, ठीक है, नेगेटिव ऑफ रूट थ्री वो कितना होगा, माइनस रूट थ्री हो गया। तो माइनस रूट थ्री जो नया नंबर बना, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। इसका मतलब ये है, ठीक है, आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि कोई भी इरेशनल नंबर दिया हुआ है, उसका अगर नेगेटिव कर दिया जाएगा तो वो जो नेगेटिव बना है वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। आई होप ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अगला है वो भी ध्यान से समझना कि द सम एंड डिफरेंस ऑफ ए रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर का सम और डिफरेंस, ठीक है, यानी प्लस और माइनस बोल सकते हो, एंड एन इरेशनल नंबर,
एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, उन दोनों का सम और डिफरेंस जब निकाला जाएगा तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो रिजल्ट क्या होता है, हमेशा इरेशनल नंबर होता है। इसका क्या मतलब है, एग्जांपल समझो, 2a क्या है, रैशनल नंबर यानी q है, √3 क्या है, इरेशनल नंबर qc है, और इन दोनों का एड किया, सम किया तो क्या बना, 2+√3। तो ये जो 2+√3 है ये पूरा क्या कहलाएगा, एक इरेशनल नंबर होगा। आई होप ये बात भी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ऐसे यहाँ पे जो √3 है ये क्या है, QC है यानी कि इरेशनल नंबर है, और ये 5 है ये क्या है, रैशनल नंबर है, और इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। आई होप ये बात भी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट हो रहे हैं अभी, वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखने वाले, इसको आप अच्छे से समझ के नोट कर लीजिए। मैं वीडियो को पॉज करता हूं। तो इरेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ और नोट है, उनको भी हम आगे देखते हैं। तो देखो जो तीसरा पॉइंट है हमारा, हमने दो पॉइंट पहले ऑलरेडी पढ़ लिया लास्ट स्लाइड पे। तीसरा पॉइंट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो, ये ध्यान रखना, क्या बोला है कि एक नॉन जीरो रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, इन दोनों का जब प्रोडक्ट करोगे वो हमेशा क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा। इसका क्या मतलब है, जैसे एक मैंने रैशनल नंबर लिया, ले लिया 2, एक इरेशनल नंबर लिया 3, तो इन दोनों का एक प्रोडक्ट आ रहा है। इसको कैसे लिखा जाता है, 2√3। ध्यान रखना, लिखने का तरीका सीखना है तुम्हारे को, क्या करना है, 2√3, बस 2 एक्चुअल में है, 2√3 है, लेकिन लिखने का तरीका 2√3, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये जो 2√3 है, तो देखो ये 2 तो क्या है, नॉन जीरो रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर है मतलब कैपिटल क्यू है। ध्यान रखना, नॉन जीरो का मतलब है जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो वाले केस में क्या होगा उसको हमने अलग से एक नोट लिख दिया है, तो उसको हम देखते हैं आगे। और √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, जब दोनों का क्या किया, प्रोडक्ट निकाला यानी मल्टीप्लाई किया, तो 2√3 बना, तो 2√3 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। आई होप ये बात भी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ध्यान क्या रखना है कि जो रैशनल नंबर होना चाहिए वो नॉन जीरो होगा तभी ऐसा होगा। अगर ऐसा इसी चीज को हम ऐसा समझे कि भाई रैशनल नंबर जीरो होगा तो क्या करें, तो देखो इफ ए इज ए रैशनल नंबर, मान लिया कि ए कोई रैशनल नंबर है, ठीक है, एंड बी इज एन इरेशनल नंबर, बी कोई इरेशनल नंबर, दोनों को आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई किया, एंड द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, ए मल्टीप्लाई बी, ये क्या आ रहा है, एक रैशनल नंबर आ रहा है। ध्यान से समझना, ये वाली चीज मैंने समझाई है कि भाई एक रैशनल नंबर यानी जो नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, और एक इरेशनल नंबर, दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट बनेगा वो क्या होगा, हमेशा इरेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, ए एक रैशनल नंबर है, बी एक इरेशनल नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट अगर रैशनल नंबर आ रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है, देन इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन, जो हमारा रैशनल नंबर था ना क्यू बराबर, मतलब ए जो रैशनल नंबर था वो अगर जीरो होगा तो ही क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, हमारा दोनों का प्रोडक्ट रैशनल आएगा, अदरवाइज हमेशा क्या आएगा, इरेशनल आएगा। जैसे यहां पे ऐसे बोले कि 2√3 ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है, यहां पे इसको मैं क्यू लिख देता हूं, ठीक, जो ए की जगह पे काम कर रहा है, ठीक, और यहां पे क्या है, क्यू सी है जो कि बी की जगह पे काम कर रहा है, दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है यहां पे, 2√3, 2√3 कितना आ रहा है, क्यू सी होगा, ये दिख ही रहा होगा, 2√3 क्या है, एक इरेशनल नंबर। लेकिन उसने बोल रहा है कि इसका रिजल्ट यहां जो कुछ भी आएगा वो क्या आ रहा है, एक रैशनल नंबर आ रहा है, तो ये पॉसिबल तभी होगा जब ये जो 2 है इसकी जगह पे क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जिससे कि क्या बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, और तभी क्या हो सकता है, ये रैशनल नंबर हो सकता है। तो अगर एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट अगर रैशनल आ रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब रैशनल वाला जो नंबर होगा वो क्या हो, जीरो हो, अदरवाइज हमेशा क्या आएगा, उनका प्रोडक्ट इरेशनली आएगा। आई होप ये बात भी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं ये वाला पॉइंट क्या है, कि द सम एंड डिफरेंस, द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वेशन, क्वेशन मतलब डिवीजन बोल सकते हो, ऑफ टू इरेशनल नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो अभी तक हम एक रैशनल हो एक इरेशनल की बात कर रहे थे, अब क्या होगा, दोनों नंबर्स क्या हो, इरेशनल हो, तो क्या हो सकता है, तो नंबर्स नीड नॉट टू बी एन इरेशनल नंबर, तो जरूरी नहीं है कि जो रिजल्ट भी आएगा वो इरेशनल ही हो, वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, यानी कि वो क्या हो सकता है, रिजल्ट क्यू और क्यू सी,
ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं। अब कैसे होंगे देखो, एग्जांपल से समझते हैं तीनों चारों के एग्जांपल। सबसे पहले एडिशन का देखते हैं। तो देखो मेरे पास एक इरेशनल नंबर है 2+√3। अब ये 2+√3 इरेशनल कैसे होगा, अभी अभी हम पढ़ चुके कि एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का जो सम होगा वो हमेशा इरेशनल होता है। एक ये उन दोनों का डिफरेंस निकाला वो भी इरेशनल होगा। अब इन इस इरेशनल नंबर और इस इरेशनल नंबर को एड करके देखते हैं क्या आता है। तो एड करने पे क्या आएगा, देखो 2+√3 या बीच में प्लस है, यहां भी प्लस है, तो प्लस का 2, ये प्लस माइनस माइनस का √3, √3 से √3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 2 कितना आया 4 आया। और 4 क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, यानी कि हमें ये पता चल गया कि देखो दो इरेशनल नंबर का सम एक रैशनल नंबर निकल के आ गया। तो क्या इरेशनल भी हो सकता है, इसको अगले को करके देखते हैं। तो देखो √3 + 2 एक क्या है, इरेशनल नंबर है, √3 - 2 भी एक इरेशनल नंबर है, इसको आगे सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो क्या होगा, √3 + 2 और प्लस √3 - 2, तो देखो 2 - 2 तो 0 हो गया, √3 और √3 ये दोनों कंबाइन होके क्या हो जाएंगे 2√3। ये कैसे होते हैं ये आगे मैं बताऊंगा, अभी बस याद रखना कि √3 और √3 ये 1√3 है, ये 1√3 है, दोनों कंबाइन होके क्या हो गया 2√3। तो 2√3 क्या है, एक इरेशनल नंबर, मतलब जो सम किया हमने दो इरेशनल नंबर्स को उनका जो प्रोडक्ट है वो रैशनल भी आ रहा है और इरेशनल भी आ रहा है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, हमेशा जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही हो या कोई रैशनल ही हो। फिर आगे सब्ट्रैक्शन में भी करके देखें, तो देखो 2+√3 एक इरेशनल नंबर है क्यूसी, और √3 - 2 भी एक इरेशनल नंबर है। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते क्या आता है, तो देखो 2+√3 यहाँ पे ये माइनस का है और ये √3 प्लस का है, तो माइनस का √3 हो गया, और यहाँ पे ये माइनस का है और ये माइनस माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, √3 - √3 0 हो गया, 2 कितना हो गया 4 हो गया, मतलब सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे क्या आ रहा है क्यू, यानी कि रैशनल नंबर आ रहा है। फिर यहाँ पे देखो 2+√3 - 2 - √3 इसको करके देखे तो क्या बनेगा, तो 2+√3 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2, तो और ये माइनस माइनस प्लस का √3 हो जाएगा। तो देखो 2 - 2 तो 0 हो गया, √3 और √3 कितना हो गया 2√3 हो गया, और 2√3 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो देखो जो दो नंबर्स थे इरेशनल नंबर्स उनका जो सम और डिफरेंस है वो दोनों हमने करके देखा दो अलग अलग एग्जांपल से, एक बार रैशनल निकल के आ रहा था, एक बार इरेशनल आ रहा है। तो मतलब हमारा ये नोट यही कहता है कि दो इरेशनल नंबर्स का जो सम है डिफरेंस है, अभी प्रोडक्ट और डिविजन क्वेश्चन को भी करके देखेंगे, ये हमेशा क्या होगा, जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही हो, ये रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इसके मैंने दोनों के एग्जांपल बता दिए, इनको अच्छे से सोच समझ के अच्छे से ठीक तरीके से लिख लेना आप लोग। इसके बाद में हम देखते हैं कि प्रोडक्ट वाला केस क्या होगा। तो देखो जैसे यहाँ पे एक इरेशनल नंबर है √3√2, ये एक इरेशनल नंबर है, √2 भी क्या है इरेशनल नंबर है क्यूसी, दोनों का प्रोडक्ट निकालना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी के लिए ध्यान रखो √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल 2 हो जाएगा, ठीक है। और 2 को फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, और 6 क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। तो ये मैं लिख देता हूँ नोट समझाने के लिए कि कहीं पे भी √2 × √2 दिया हुआ है तो यहाँ 2 होगा, कैसे होता है क्यों होता है ये सारी चीजें आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। √3 × √3 करना है तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखो √2 √2 तो 2 हो गया, और 2 को 3 से किया तो मल्टीप्लाई 6 हो गया। तो यहाँ क्या है, एक रैशनल नंबर है। और यहाँ पे देखो इसको समझने से पहले देखो इस नोट को समझते हैं पहले कि अगर देखो एक स्क्वायर रूट में ए कोई नंबर दिया हुआ है, एक दूसरे स्क्वायर रूट में बी कोई नंबर दिया हुआ है, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, यहाँ ध्यान रखना ए और बी दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, बोथ आर पॉजिटिव। तो क्या करना, क्या कर सकते हो, इन दोनों का कॉमन स्क्वायर रूट लगा सकते हो, दोनों को क्या कर सकते हो, ए और बी को सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे √2 है, यहाँ पे √3 है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों पॉजिटिव दिख रहे हैं तो सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना बन जाएगा √6। और यहाँ पे रूट के अंदर 6 क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो जब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो देखो इस वाले केस में रैशनल आ रहा है तो इस वाले में इरेशनल आ रहा है, तो मतलब इनका जो प्रोडक्ट है ये रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ये इरेशनल नंबर है और ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो भी इरेशनल आ रहा है। यहाँ पे एक इरेशनल नंबर दूसरे इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रैशनल हो गया। ऐसे ही हम डिवाइड कर लिए, क्वेश्चन के लिए करके देखो तो क्या होगा, देखो √12 है, तो √12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 लिख सकते हैं, और इस जो डिवाइड √3 है इसको मैं डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ।
तो अब यहाँ पे देखो ये चार और तीन दोनों मल्टीप्लाई में पूरे का कॉमन रूट है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, चार का भी स्क्वायर रूट है और तीन का भी स्क्वायर रूट रहा होगा, फिर दोनों को कंबाइन करके हमने ये लिख दिया होगा, और रूट थ्री से रूट थ्री डिवाइड हो जाएगा और रूट फोर बचा, और चार का स्क्वायर रूट कितना होता है, टू होता है। तो यहाँ पे आप लोग नोटिस कर सकते हो कि ये क्या आ रहा है, हमारे पास टू एक रैशनल नंबर आ गया, और ये क्या था, एक इरेशनल नंबर था, और ये भी क्या था, एक इरेशनल नंबर था, यानी दो इरेशनल नंबर का जो क्वेश्चन निकल के आया, रिजल्ट निकल के आया डिवाइड करने पे, वो क्या आ गया, रेशनल आ गया। क्या इरेशनल भी हो सकता है, इसको करके देख लेते हैं। तो देखो इस रूट सिक्स को क्या लिखा जा सकता है, टू मल्टीप्लाई थ्री लिखा जा सकता है, और इस रूट टू को मैं डिवाइड में लिख देता हूँ, इसी को तो इस फॉर्म में लिख दिया मैंने, फिर यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं हम, रूट टू का अलग, मतलब टू का अलग रूट कर देते हैं और थ्री का अलग स्क्वायर रूट कर देते हैं, और नीचे कितना चल रहा है, स्क्वायर रूट टू, रूट टू से रूट टू डिवाइड हो गया, कितना बचा, रूट थ्री बचा, जो कि क्या है, इरेशनल नंबर है। तो देखो यहाँ पे ये क्या था, ये दोनों के दोनों इरेशनल नंबर थे, और इनका जो क्वेश्चन आया वो भी इरेशनल आ रहा है, और एक केस में दोनों इरेशनल नंबर थे लेकिन क्वेश्चन क्या आ गया, रेशनल आ गया। तो ये जो नोट था वो ये कहता था कि सम डिफरेंस प्रोडक्ट और क्वेश्चन रेशनल, ये दो इरेशनल नंबर्स का रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। आई होप ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब हम देखते हैं कि अभी तक जो भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। तो देखो यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चंस करवाए, पहले उनको सोल्व करते हैं, फिर एक टॉपिक और है उसको आगे देखेंगे। क्या बोला है, गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, हमें दो इरेशनल नंबर्स का एक ऐसा एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल की कंडीशन क्या है कि उन दोनों इरेशनल नंबर का जो डिफरेंस है इज ए रेशनल नंबर होना चाहिए, या सम उनका रेशनल नंबर होना चाहिए, डिफरेंस उनका इरेशनल नंबर होना चाहिए, या सम उनका इरेशनल नंबर होना चाहिए, यानी जो वो बोलना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारे को दो ऐसे इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल देने हैं जो उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करे। जैसे उसने पहले क्या बोला है, दो इरेशनल नंबर हमें ऐसी पिक करनी है जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, एक रेशनल नंबर आना चाहिए। अब इसको कैसे पिक करें, यहाँ पे मैंने मेरे हिसाब से एग्जाम्पल लिख दिए, अब एग्जाम सेंटर में जरूरी नहीं है तुम्हें यही रटने, ठीक है, यही एग्जाम्पल आप लोगों को कुछ इस तरीके से अपने एग्जाम, मतलब डिफरेंस को इस तरीके से बनाना है, सम को इस तरीके से बनाना है कि जो स्क्वायर रूट वाला टर्म है वो वहां से गायब हो जाए। अगर गायब हो गया स्क्वायर रूट वाला टर्म, वहां से एलिमिनेट हो गया, तो वो जो नंबर बचेगा बाकी क्या बचेगा, बिना स्क्वायर रूट के बचेगा, जो रेशनल हो जाएगा। अगर तुम्हें इरेशनल नंबर चाहिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल को ऐसे बनाना पड़ेगा कि जिसमें स्क्वायर रूट वाला टर्म क्या नहीं होना चाहिए, एलिमिनेट नहीं होना चाहिए। अब एलिमिनेट कब होगा, एलिमिनेट कब नहीं होगा, इसको कैसे समझे कि अगर जैसे दो स्क्वायर रूट वाले टर्म हमने लिए, जैसे रूट टू लिया एक जगह, दूसरे जगह पे रूट टू लिया, अगर दोनों सेम साइन के बनेंगे तो वो सिंपली एड हो जाएंगे, और अगर एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट होके कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से सोचना है अपने दिमाग के अंदर। तो देखो यहाँ पे मैंने ये किया है, एक 12 प्लस रूट 5 ले लिया, एक ले लिया 4 प्लस रूट 5, अभी मैंने प्लस ही क्यों लिया इसका कारण समझो, मुझे निकालना है डिफरेंस, डिफरेंस निकालने के लिए बाहर रूट इसको, मतलब इस पूरे ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाना पड़ेगा। अब मुझे रेस्ट जो डिफरेंस है वो क्या चाहिए, रेस्टल नंबर चाहिए, तो रेस्टल नंबर लाना है, इसका मतलब दिमाग में बिठा लो कि हमें स्क्वायर वाला जो टर्म है, स्क्वायर रूट वाला टर्म, उसको एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट कब होगा, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, सबट्रैक्ट होकर एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ मैंने इसको 5 प्लस का लिया, इधर 5 प्लस का लिया, लेकिन बाहर माइनस है, इसकी वजह से ये जो रूट 5 है ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 5 माइनस रूट 5 जीरो हो जाएगा, और बाकी बचेगा वो क्या बचेगा, हमारा रेशनल नंबर आ जाएगा, हमें रेशनल नंबर ही तो चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप लोग सोचोगे तो आप लोगों का कभी भी कोई भी किसी टाइप का एग्जाम्पल आप बना सकते हो। तो इसके जरूरी नहीं है कि पूरे यही हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे, कोई भी क्या हो सकता है, इसका किसी भी तरीके का आंसर हो सकता है। तो एग्जामिनर के पास जो कॉपी होगी या फिर जो भी मतलब हमारे बोल सकते हो, वो जो चेक करेगा तो वो ये नहीं देखेगा कि उसको क्या रिजल्ट पता था, उसके हिसाब से वो अपना रिजल्ट नहीं चेक करेगा, वो क्या देखेगा, वो आप लोगों की कंडीशन को देखेगा, आपके एग्जाम्पल को पढ़ेगा, कि वो पूरा देखेगा कि भाई इसने रूट वाले टर्म को एलिमिनेट किया ही नहीं किया, अगर रूट वाले टर्म को एलिमिनेट कर दिया तुमने तो रेशनल वाला बन गया, अगर रूट वाला टर्म एलिमिनेट नहीं हुआ तो हम बोलेंगे कि ये क्या हुआ, अभी भी इरेशनल है। तो वो चीज उसके हिसाब से तुम्हारा रिजल्ट अलग अलग बच्चों का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आ सकता है। तो देखो तो यहाँ पे क्या होगा, पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो ये वाला तो ऐसे कैसे आ गया, क्योंकि ब्रैकेट के पहले कुछ नहीं है, यहाँ पे चार माइनस का हो गया, रूट फाइव भी माइनस का हो गया, इससे ये सब्ट्रैक्ट हो गया, रूट फाइव माइनस रूट फाइव, और 12 माइनस 8 कितना किया,
12 माइनस 4 कितना हो गया 8 हो गया, जो कि क्या आ गया देखो एक रेशनल नंबर आ गया। आई होप मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ऐसे ही अगर सम करना है तो सम में ऑलरेडी पहले से क्या होता है, बीच में तो प्लस होता है तो चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे। तो पहले से ही क्या ले लो चिन्ह इसका नेगेटिव ले लो, तो रूट सेवन और माइनस रूट सेवन कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। यहाँ क्या होगा देखो 3 प्लस रूट सेवन और प्लस 4 माइनस रूट सेवन, रूट सेवन माइनस रूट सेवन जीरो हो गया, 3 प्लस 4 कितना हो गया 7 हो गया। आई होप ये बात भी आप लोगों के समझ में आ गई। अब डिफरेंस क्या होना चाहिए इरेशनल नंबर, इरेशनल होना चाहिए। इरेशनल होने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है, इरेशनल होने के लिए तुम्हारे को स्क्वायर वाला टर्म क्या करना है रखना है, वो खत्म नहीं होना चाहिए स्क्वायर रूट वाला टर्म। तो देखो तो जैसे यहाँ पे रूट सेवन प्लस का है और यहाँ पे माइनस का है, तो ये माइनस का प्लस, अगर मैं यहाँ पे प्लस ले लेता तो ये माइनस प्लस का रूट सेवन और माइनस का रूट सेवन खत्म हो जाता, लेकिन यहाँ पे माइनस लेने से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होगा तो फिर रूट सेवन और रूट सेवन दोनों एड हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे, यानी रूट सेवन खत्म नहीं होगा। तो देखो करके देखते कितना बना, 3 प्लस रूट सेवन, यहाँ पे माइनस का 3 और ये माइनस माइनस प्लस का रूट सेवन। देखो 3 माइनस 3 तो जीरो हो गया, और रूट सेवन और रूट सेवन को जब कंबाइन करोगे तो ये बन जाएगा 2 रूट सेवन। आई होप आप लोगों को ये चीज भी समझ में आ गई होगी। अब सम क्या है, इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पे क्या होगा जैसे एक रूट फाइव, ये किसका है रूट फाइव प्लस का है, और यहाँ भी मेरे प्लस का लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दोनों कंबाइंड होके क्या होने चाहिए एड हो जाने चाहिए, या फिर सब्ट्रैक्ट भी हो तो खत्म नहीं होने चाहिए, एलिमिनेट नहीं होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा 6 प्लस रूट फाइव प्लस 2 रूट फाइव माइनस 6, तो 6 माइनस 6 तो जीरो हो गया, और रूट फाइव और 2 रूट फाइव कितना हो जाएगा 3 रूट फाइव। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से यही है जो सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस बार किसके लिए निकालना है, हमें प्रोडक्ट और कोसाइन के लिए निकालना है। तो क्या बोला देखो, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर का हमारे को ऐसा एग्जांपल देना है कि जिससे उनका प्रोडक्ट क्या हो जाए एक रेशनल नंबर हो जाए। अब प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करने पे रेशनल नंबर आना चाहिए। तो देखो क्या होना चाहिए, दिमाग में बिठा लो कि स्क्वायर रूट वाला टर्म एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेट करना है कब, जब रेशनल नंबर लाना है, और स्क्वायर रूट वाला टर्म को रखना है कब, जब हमारे को इरेशनल नंबर लाना है। तो वो कैसे लाना है वो प्लस माइनस करके आप सोच सकते हो। तो देखो अब यहाँ पे एक है 4 प्लस रूट 3, एक है 4 माइनस रूट 3, अब इसका कैसे करें, तो इसको एक तो तरीका है कि इस 4 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, रूट 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो हमें क्या करते हैं, यही कर लेते हैं। तो देखो पहले ये 4 प्लस का है, ये भी प्लस का है, 4 को 4 से किया 16, ये 4 प्लस का है, ये रूट 3 माइनस का है, तो माइनस का आएगा, 4 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 रूट 3 आएगा, फिर इस रूट 3 को 4 से करेंगे, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 4 रूट 3 बनेगा। ध्यान रखना जो भी रेशनल नंबर होता है उसको आगे लिखने का ट्रेंड होता है, ऐसे नहीं है कि रूट 3 4 लिख देंगे, तो यह बस लिखने का एक तरीका है, 4 को आगे लिख दिया, रूट 3 को बाद में लिख दिया। फिर ये देखो प्लस माइनस माइनस आएगा, और रूट 3 और रूट 3 को मल्टीप्लाई करने में मैं ऑलरेडी लास्ट स्लाइड पे बता चुका हूँ कि जब सेम नंबर रूट में हो दोनों मल्टीप्लाई हो तो स्क्वायर रूट हट जाता है, तो सिंपली क्या आ जाएगा 3। अब देखो ये 4 रूट 3 प्लस का है, 4 रूट 3 माइनस का, ये तो सेपरेट होके 0 हो गया, और ये यहां देखो 16 माइनस 3 करोगे तो ये कितना आएगा 13 आएगा। 13 क्या है, एक रेशनल नंबर है, हमें रेशनल नंबर ही तो बनाना था। अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट रूट 5 और रूट 3, अभी अभी हमने देखा है लास्ट स्लाइड पे कि अगर दोनों का रूट है, दोनों में कुछ नंबर लिखा हुआ है, पॉजिटिव नंबर है, तो हम दोनों का कॉमन क्या बना सकते हैं, स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, तो ये कितना बन गया रूट 15। रूट 15 क्या है, रेशनल नंबर होता है। ऐसे क्वेश्चन क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, रूट वाले टर्म को हटाना है ऐसे। तो देखो 4 रूट 2 डिवाइड बाई 4 रूट 2, रूट 2 से रूट 2 डिवाइड हो गया, कितना बचा 4, जो कि क्या है रेशनल नंबर है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए, तो रूट 10, तो रूट 10 को हम क्या लिख सकते हैं रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 2 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो वापस मल्टीप्लाई करोगे 5 टू जब रूट 10 हो जाएगा, और नीचे कितना है रूट 2 है, स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 कटेगा तो क्या बचेगा ओनली रूट 5 बचेगा, जो कि क्या है इरेशनल नंबर है। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप लोगों के लिए जरूरी ही नहीं है कि आप यही वाले एग्जांपल लिखो, अपने मन से सोच के भी क्या बना सकते हो एग्जांपल बना सकते हो। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक नंबर में पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन कि रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी। भाई दो पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी, कुछ भी हो सकते हो, इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, इरेशनल नंबर कैसे फाइंड किए जाते हैं।
रेस्टो नंबर कैसे फाइंड किया जाता है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेक्चर नंबर 1 या 2 के अंदर मैंने ये आप लोगों को अच्छे से समझा दिया। मीन मेथड समझाया था कि इनके बीच में दोनों का मीन ले लो, ठीक है, दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर दो, तो जो बीच में एक टर्म हमारे को मिल जाएगा वो क्या होगा, एक रेस्टो नंबर होगा। तो रेस्टो नंबर कैसे फाइंड किया जाता है, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, उसके बीच में एक रेस्टो नंबर आ गया। लेकिन इरेस्टो नंबर कैसे फाइंड किया जाता है वो ध्यान रखना है कि जैसे ए और बी नंबर था तो ए और बी को मल्टीप्लाई करो और उसका क्या ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, मीन नहीं लेना, स्क्वायर रूट लेना है। तो ये जो रिजल्ट आएगा हमारा वो क्या निकल के आएगा, इन दोनों ए और बी के बीच में एक रेशनल नंबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, फाइंड टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4, तीन और चार के बीच में दो इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो जैसे पहला इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करें, एन इरेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4 कैसे निकालेंगे, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके उसका क्या ले लो, स्क्वायर रूट ले लो। तो ये कितना होगा, देखो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, या ऐसे लिख दो इसको, ठीक है। तो इसको √3 लिख सकता हूँ, इसको √4 लिख सकता हूँ, √4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, 2, उस 2 को मैं बाहर आगे लिख देता हूँ, तो कितना बन गया, 2√3। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि ये जो 2√3 है ये 3 से तो बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा, ये बीच में हमने एक इरेशनल नंबर QC फाइंड कर लिया। लेकिन हमें तो कितने फाइंड करने थे, 2 फाइंड करने थे। जब एक निकल गया तो अब क्या करेंगे हम, इन दोनों के बीच में या फिर इन दोनों के बीच में एक और फाइंड करो। तो जो सेकंड इरेशनल नंबर होगा वो कैसे निकाला जाएगा, सेकंड इरेशनल नंबर बराबर क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई 2√3 भाई, सेकंड नंबर ये ना, इन दोनों के बीच में निकालना है तो दोनों का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लो। तो ये क्या बनेगा, 6√3 इस पूरे का फिर से क्या है, स्क्वायर रूट है। आई होप ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ क्वेश्चंस और हैं, उनको देखते हैं हम लोग। अब इरेशनल नंबर्स पे हम लोग 2 क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं, इसी के साथ फिर हमारा आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो देखो, पहले मैं ये वाला एग्जांपल आप लोगों को करवा के बताता हूँ। ये वाला क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 3.22202002002, ऐसे आगे तक चलता रहेगा, कभी एलिमिनेट मतलब टर्मिनेट भी नहीं होगा और कभी रिपीटेशन भी नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ क्या है, 3.22202002002002 आगे डैश 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 चलता रहे। हमारे को क्या करना है, इसके बीच में एक इरेशनल नंबर बताना। पहले तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको एक समझते हैं भाई, 2 नंबर्स कोई से भी दे दो आप लोगों को, ठीक है, जरूरी नहीं है होल नंबर ही हो। जैसे कि 1.1 और 1.2 दे दिया, या फिर 1.001 दे दिया और 1.002 दे दिया, तो इन 2 नंबर्स के बीच में कितने इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं, कितने रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। तो देखो, देयर विल बी इनफाइनाइट रेशनल इरेशनल एंड रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन नंबर। 2 नंबर्स जैसे कोई से भी हो सकते हैं, ये ए और बी, ये रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। इनके बीच में इनफाइनाइट तो क्या है, क्यू है, यानी रेशनल नंबर्स है, और इनफाइनाइट क्या है, QC यानी कि इरेशनल नंबर है, ध्यान रखना। मतलब कोई से भी 2 नंबर हो, यहां तक कि 1.1 और 1.2 भी ले लोगे तो इन दोनों के बीच में भी इनफाइनाइट इरेशनल नंबर है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर है। तो अब जैसे ये दोनों है तो इनके बीच में भी कोई एक बताना, तो बताए कैसे। तो देखो, ध्यान रखना, इससे बाहर वाला नहीं होना चाहिए, अपने मन से नहीं सोच सकते, वो कैसे सोचेंगे। तो देखो, यहां तक ना दोनों सेम है, यहां तक दोनों का पार्ट सेम है, देखो फिर यहां कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, यहां पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब 0 से बड़ा कोई नंबर सोचो, और मतलब यहां तक का तो पार्ट दोनों में सेम ही है ना। तो अब अगर मानो इससे बड़ा नंबर सोचना है तो यहां पे क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा आना चाहिए, ठीक है, और यहां क्या आना चाहिए, 2 से छोटा आना चाहिए। तो हम सोच सकते हैं यहां पे क्या ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं हम लोग 1 ले लेते हैं। तो देखो क्या बनेगा, एक नंबर इसके बीच में 3.22212002002002, और यहां क्या बनेगा, 3. अब ये देखो, ये वाला नंबर देखो भाई, यहां तक दोनों सेम है, तीनों सेम है, फिर यहां पे 0 है, यहां पे कितना, 1 है, यहां पे 2 है। तो 0 से तो बड़ा वाला होगा ये, और 2 से क्या होगा, छोटा वाला होगा। तो हमने क्या किया, इसके बीच में एक नंबर फाइंड कर लिया। तो आई होप ये चीज भी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, तो ध्यान से समझना इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको समझने से पहले मैं एक आप लोगों को कॉन्सेप्ट को सिखाता हूँ, उसको देखना। कभी भी अगर आप लोगों को जैसे स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी हो, जैसे कि √2 है या फिर स्क्वायर रूट 36 है,
तो इसका रिजल्ट आएगा हमेशा पॉजिटिव। ये ध्यान रखना, ये कैसा होगा स्क्वायर रूट, ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस वी का मतलब पॉजिटिव, ठीक है। जैसे कि चार का स्क्वायर रूट कितना होगा, टू होगा। रूट 36 का स्क्वायर रूट, मतलब 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 6 होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे दे दे कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 36, तो एक्स की वैल्यू बताओ। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्क्वायर रूट उधर जाके, मतलब स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाता है, ठीक है। लेकिन यहां में ध्यान रखना है, यहां पे क्या करते हैं हम लोग, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो इस साइड भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा और इस साइड भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। और जब भी दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो एक साइड हमेशा क्या लगाना है हमारे को, प्लस माइनस। इसका कारण मैं बता देता हूँ। देखो, अगर आप लोग डायरेक्ट करोगे कि स्क्वायर रूट को हम उधर लेके कितना, मतलब स्क्वायर को उधर ले जाके स्क्वायर रूट बना दिया, तो रूट 36 होगा स्क्वायर रूट। उसके हिसाब से आंसर कितना आया आपका, एक्स इजिकल 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6 होता है, आ गया। लेकिन यहां देखो, अब इसकी वैल्यू पुट करो, 6 पुट किया, 6 का स्क्वायर 36 आ रहा है, मतलब सही है। क्या x की वैल्यू केवल 6 ही आएगी, क्या कुछ और भी आ सकती है? तो देखो मैं बोलता हूँ, आप लोग पुट करके देखो, देखा x की वैल्यू -6 पुट करके देखो। तो यहां जैसे ही x की वैल्यू पे -6 पुट करोगे तो -6 का स्क्वायर करो, तो -6 को दो बार मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बना, 36। तो उसका रिजल्ट भी क्या आ रहा है, 36 आ रहा है। मतलब यहाँ पे x बराबर 6 क्या है, इनकम्प्लीट है। एक्चुअल में x बराबर 6 भी होगा और माइनस का 6 भी होगा। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। इसलिए हम दोनों तरफ क्या लगा, मतलब दोनों तरफ में से एक साइड क्या लगा देते हैं, प्लस माइनस लगा देते हैं। और यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, ओनली x बचा। कैसे हटेगा, आगे मैं आप लोगों को पावर एंड एक्सपोनेंट वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, वहां पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस 6 हो जाएगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी कोई समथिंग स्क्वायर कुछ दे रखा है, बराबर में कुछ दे रखा है, तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो एक साइड हमेशा प्लस माइनस लगाना है, और अगर ओनली स्क्वायर रूट दे रखा है तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, प्लस में ही आएगा। आई होप ये बात आप लोगों के समझ में आ गई थी। अब इसी के ऊपर ये क्वेश्चन दिया हुआ, क्या बोला है, इन द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड विच ऑफ द वेरिएबल एक्स वाई जेड ETC रिप्रेजेंट रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। यहाँ पे क्या करना है हमारे को, इन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, जैसे अभी मैंने सोल्व करके बताया वैसे, और उसके बाद में बताना है कि कौन सा रेशनल आ रहा है, कौन सा इरेशनल आ रहा है। तो हमारे को अब सोल्व करके देखेंगे, और अगर जो रिजल्ट आता है उसके हिसाब से पता कर लेंगे कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल। तो देखो यहाँ करके देखते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा। अब यहां देखो क्या होगा, प्लस माइनस इस 8 को क्या लिखा जा सकता है, 4 × 2, प्लस माइनस 4 × 2, और 4 का स्क्वायर रूट तो कितना होता है, 2, वो तो बाहर आ गया, और रूट 2 का कुछ भी नहीं होता, और 2√2 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, इरेशनल नंबर आएगी, और कितनी आएगी, प्लस माइनस 2√2। आई होप ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी। 4 को मैंने बाहर क्यों लिया है, क्योंकि इसको आप लोग ये भी समझ सकते हो भाई, 4 का यहाँ जैसे प्लस माइनस चल ही रहा है, ये 4 का भी स्क्वायर रूट है, और यहाँ पे 2 का भी, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 2 अगर अलग अलग नंबर्स क्या है स्क्वायर रूट में लिखे हुए, तो दोनों को कंबाइन करके मल्टीप्लाई करके एक ही स्क्वायर रूट में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे तो 4 का स्क्वायर रूट तो 2 बन गया, और रूट 2 का रूट 2 ऐसे कैसे चलेगा, और प्लस माइनस साथ में चल ही रहा है। अब यहाँ पे करोगे ये तो सिमिलरली ऐसा कैसा, ये देखो वाई बराबर क्या बनेगा, प्लस माइनस √16, और √16 कितना होता है, 4 होता है, तो 4 क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है, यानी कि क्यू होगा। फिर हम बात करें इसकी, तो देखो जेड बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0.09 प्लस माइनस। अब इसको कैसे सोल्व करें, तो देखो यहां क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका डेसिमल को हटा सकते हैं, और जैसे ही डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर तो 9 रहेगा, 009, यानी 9 बचा, और नीचे कितना हो गया 1, और डेसिमल के बाद में 2 प्लसेज है, तो कितना हो गया 20। अब यहाँ पे देखो 9 का भी स्क्वायर रूट होगा और 100 का भी स्क्वायर रूट होगा, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 3 होगा, और ये प्लस माइनस चले जाए, और 100 का स्क्वायर रूट 10 होगा, और वापस से क्या लगा दो, डेसिमल लगा दो, तो कितना होगा, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 0.3, और 0.3 क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल हमेशा क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। आई होप ये चीज भी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। सिमिलरली इसको हम करेंगे, यहाँ क्या होगा, यू बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √17/4, तो √17 का तो √ कुछ भी नहीं होता, और 4 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखो एक रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर, आगे सोल्व कर नहीं पा रहे, तो ये क्या आ रहा है, इसका रिजल्ट एक QC यानी इरेशनल नंबर आ रहा है। आई होप ये चीज आप लोगों के समझ में आ रही होगी। फिर यहाँ पे जैसे V दे रखा है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस 3,
यहाँ पे रूट थ्री तो वैसे ही क्या होता है, गिरस्ता नंबर होता है, तो इसका रिजल्ट क्या है, क्यू सी है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्यूब दे रखा है, क्यूब जाके उधर की तरफ क्या होगा, क्यूब रूट हो गया। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, 64 का क्यूब रूट। क्यूब रूट के लिए यहाँ पे एक छोटा सा 3 लगा के वो करते हैं, इसका मतलब होता है क्यूब रूट का साइन होता है, ठीक है। और इसकी पावर होती है 1/3। जैसे स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, कहीं पे भी अगर नंबर का स्क्वायर रूट दे रखा है तो उसकी पावर होती है 1/2। वैसे कहीं पे अगर क्यूब रूट दे रखा है तो उसकी पावर होती है 1/3। ये भी चीजें आप साइड में नोट कर सकते हो, वैसे तो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ सबको। तो जैसे 64 का क्यूब रूट कितना होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 8th क्लास में 4, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है। तो 64 का क्यूब रूट बिल्कुल रिवर्स वो चीज करोगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। और 4 क्या है, रेस्ट नंबर है। तो आई होप ये चीज भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसको सोल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, टी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 0.4, पॉइंट हटेगा नीचे 1.0 लगा, इसका तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, लेकिन 10 का कुछ नहीं होता, तो रूट 10 ऐसे कैसे आएगा। तो ये क्या आ रहा है, इरेशनल नंबर आ रहा है। आई होप ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी, क्यों, क्योंकि नीचे वाला क्या है, रूट 10 है, जो कि इरेशनल है, इसलिए ओवरऑल ये भी क्या आ रहा है, इरेशनल नंबर आ रहा है। आई होप ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ये नोट है, इसको भी नोट कर लेना कि दो नंबर्स कोई से भी दिए हुए हो उनके बीच में हमेशा क्या होता है, एक इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं, इसको पोज करके आप नोट कर सकते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और चैनल हमारे चैनल का बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी लेक्चर्स के आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। और एक रिक्वेस्ट और है कि आप लोग इससे पहले के सभी लेक्चर्स को देखिए, वहां पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवाए, जिससे कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। साथ में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी धीरे धीरे हम अपलोड कर रहे हैं, और आरडी शर्मा के भी सॉल्यूशंस आने वाली क्लासेस में आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए जाएंगे, तो उनको भी रेगुलरली आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ जो पहले क्वेश्चन करवाया जाता है उनको पहले आप खुद सोल्व करने की कोशिश किया करो, उसके बाद में भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग क्या करो, यहाँ से सॉल्यूशन देख सकते हो, और फिर भी अगर कोई आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो तब तक के लिए थैंक यू।